नमस्कार दोस्तों, पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पिछले 20-22 साल 25 सालों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एक साथ देख लें तो आपका रिवीजन बहुत आसान हो जाए। यूपीएससी, यूपीपीएससी, अन्य कोई भी पीएससी और कोई भी एग्जाम जहां पर एनवायरनमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। एक बार आप वीडियो प्ले करें और अंत तक आप जाएं तो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सब आपको एक जगह मिल जाएं, और उससे भी बड़ी बात केवल उनका आंसर ही ना मिले, उन आंसर्स के साथ में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मिल जाए, उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए, और उसके साथ में जहां पे अपडेट करने वाली चीजें हैं उनको कर दिया जाए तो काफी कुछ आपके लिए अच्छा हो जाएगा। इस वीडियो के अंतर्गत यही प्रयास किया जाएगा कि आपको ये टॉप 300 ऐसे प्रश्न, इसमें रिपीटिशन की कोशिश की गई है कि ना हो, जो अभी तक पिछले 20-22 सालों में पूछे गए एनवायरनमेंट से, वो कवर हो जाए। इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है, जो लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और लेते हैं पहला प्रश्न। ये जो सेशन होगा, इस सेशन के अंतर्गत 300 प्रश्न हमको एक साथ देखने हैं, लंबा सेशन होगा। आपको अगर इसकी स्पीड कम लगती है तो आप स्पीड बढ़ा के इसको देख सकते हैं, और ऐसे ही प्रश्नों की, ऐसे ही एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज की प्रैक्टिस के लिए आप हमको मैसेज कर सकते हैं 6307281212 पर, और जानकारी ले सकते हैं हमारे टेस्ट सीरीज और क्लासरूम प्रोग्राम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस यात्रा को और लेते हैं पहला प्रश्न। पारितंत्र या इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन कौन सा है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी परिभाषा कौन सा एक स्टेटमेंट है जो सबसे सही दे रहा है। किसी भी क्षेत्र में सभी जीवधारी, वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं, और पारितंत्र जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसमें एक विकल्प ये देखिए कि जीवों यानी कि ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वहां पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं, वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम या पारितंत्र। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पृथ्वी पर सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है, ये जब प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप उसको सोचिए। जलमंडल, जीवोम, स्थलमंडल और जैवमंडल। जब जैवमंडल की बात आती है तो जैवमंडल के अंतर्गत मिट्टी, शैल, वायु, जल, इन सब को सम्मिलित किया जाता है। पृथ्वी के चारों ओर जो भी आवरण आप देखते हैं उस आवरण को इसमें सम्मिलित किया जाता है, और जैवमंडल पारिस्थितिक तंत्र में देखा जाए तो सबसे बृहद पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्र में जैवमंडल शब्द सबसे बृहद पारिस्थितिक तंत्र को रिप्रेजेंट करता है। एक आधारभूत ग्रहीय तंत्र है, इसमें जैविक और अजैविक दोनों घटक होते हैं, है ना, बायोटिक एम्बायोटिक दोनों घटक इसमें होते हैं। इस तरीके से जैवमंडल इसमें सबसे बृहद पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है कि पारिस्थितिक तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय इकाई के समस्त जीवों एवं भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। सही बात है, एक निश्चित स्थान इसमें होता है, एक निश्चित समय इकाई होती है, और समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण का यह प्रतिनिधित्व करता है। इतने ये परिभाषा में आप पार्ट देख सकते हैं, इन पे भी प्रश्न बन सकता है। समझते हुए चलिएगा, कोई भी चीज जब आप पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमेशा के लिए कंसेप्ट हो जाता है, बाकी जल्दी जल्दी में तो आप बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं। यह एक कार्यशील इकाई है, एक वर्किंग यूनिट होती है, एक्टिव यूनिट होती है, और इसकी अपनी उत्पादकता होती है, ओन प्रोडक्टिविटी होती है, और एक बंद तंत्र होता है। तो ये बंद तंत्र नहीं होता है, अगर कहा जाए ये क्लोज्ड सिस्टम होता है, क्लोज्ड मैकेनिज्म होता है, तो ये गलत है। ये एक ओपन तंत्र होता है, खुला हुआ तंत्र होता है, क्योंकि ऊर्जा और पदार्थ का लगातार इसमें क्या होता है, निवेश भी होगा और बहिर्गमन भी होगा, तो दोनों चीजें होती रहती है। मान लीजिए तंत्र है तो इसमें ऊर्जा आती भी है और निकलती भी है,
ऊर्जा और पदार्थ निकलते हैं और आते हैं, दोनों होता रहता है, तो डी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह अजैविक और जैविक दोनों घटकों से युक्त होता है, बिल्कुल सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। देखिए वही प्रश्न ऐसे पलट के कैसे पूछा गया, आगे मैं रिपीट नहीं करूंगा, केवल यहाँ पे मैं बताने के लिए कैसे चेंज कर करके प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोगों को लगेगा इतने कम क्वेश्चन है, ये इतने कम है, लेकिन जो आप बुक उठाते हैं, कोई भी बुक पढ़ते हैं, उसमें 1000-1500 क्वेश्चन अगर दिए हैं तो उन पूरे को कवर किया जा रहा है। और यहाँ पर भी देखिए, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता और एक बंद तंत्र, ये गलत है। और प्राकृतिक संसाधन, एक स्टेटमेंट चेंज किया बस वही, और क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट कर दिया। बात समझ में आ रही है? दो तीन क्वेश्चन मैं ऐसे आपको दिखाऊंगा। इसमें पारिस्थितिक निम्नलिखित में के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी ये शब्द जो है ये कहा जा रहा है, यानी इकोलॉजी, अंग्रेजी में जिसको इकोलॉजी कहते हैं, तो ये निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। आपको बताना है किसके बीच, तो ये होता है जीव और वातावरण के बीच, जो क्रिएचर्स हैं और जो एटमॉस्फेयर है उसके बीच का एक पारस्परिक संबंध जो होता है उसका अध्ययन हम इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जीव समुदाय और उनके वातावरण के बीच जो पारस्परिक संबंध होते हैं, जीव और ऐसा भी कह सकते हैं उसके बाहरी वातावरण के बीच जो सक्रिय संबंध होते हैं, जो एक्टिव रिलेशन होते हैं, उनका अध्ययन हम इसमें करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? अगर आपको पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना है तो आपको क्या चाहिए? आपको वन लगाने पड़ेंगे, आपको वर्षा की जरूरत पड़ेगी तो वर्षा जल का आप भंडारण कर लीजिए। कहने का मतलब जल की जरूरत पड़ेगी तो वर्षा जल का भंडारण कर लीजिए, और जैव मंडल भंडार भी चाहिए, लेकिन वन को काटने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं वनों को काट के हम पारिस्थितिक संतुलन बना रहे हैं, एक तरफ ज्यादा वन है एक तरफ कम वन है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। कभी कभी बड़े अजीब कंसेप्ट लोगों के दिमाग में आते हैं, वो कहते हैं एक तरफ वन ज्यादा है एक तरफ कम है तो ज्यादा वाले को काट के कम तरफ बराबर कर दिया जाए। तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। संतुलन बनाए रखने का मतलब ये है मदद नहीं करता यहाँ पूछा जा रहा है। तो वन काट देंगे तो किसी तरीके से मदद नहीं करेगा, मजाक की बात है, हल्की बात है, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? सबसे विशाल, अगर आपसे कहा जाए कि विश्व का सबसे बिगेस्ट है ना, लार्जेस्ट, अगर आपसे कहा जाए कि लार्जेस्ट कौन सा है पारिस्थितिक तंत्र, तो आप क्या बताएंगे? तो पूरे विश्व में पारिस्थितिक तंत्र, जैसे पारिस्थितिक तंत्र में आपका घास के मैदान भी आते हैं, छोटा सा आपका कोई प्लांट का अपना एक एरिया है वो भी आ जाता है, और पर्वत भी है, वन भी है, लेकिन समुद्र आप देखेंगे तो सबसे विशालतम है, सबसे लार्जेस्ट है। कौन? जो समुद्र है, ओशंस है, सीज है, जैसे भी इसको ओशंस भी लिखा जा सकता है, सीज भी लिखा जा सकता है, जैसे भी आपसे पूछा जाए। कहीं कहीं छोटी मोटी मिस्टेक अगर होगी, क्योंकि इसको तैयार किया गया है, ये हो सकता है चेक करने में रह गया हो, तो आपको मैं यहाँ पर सही करके दिखा दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो इसका भी उत्तर वही होगा, मैरिटाइम या सामुद्रिक। ऐसे बदल बदल के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बदल बदल के देख लीजिए कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। लगभग 71% एरिया जो है पूरे विश्व का, पूरे पृथ्वी का आप कहिए, तो पूरे पृथ्वी के एरिया में, विश्व नहीं केवल पूरा, मतलब ये शब्द नहीं, पूरा पृथ्वी आप कहिए, पृथ्वी ज्यादा सटीक शब्द होगा, तो उसका 71% भाग जल तंत्र से, जल पारिस्थितिक तंत्र जो है उससे कवर्ड है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, अब मैंने आपसे बताया कि पारिस्थितिक तंत्र तो आपका छोटा सा कोई एरिया भी हो सकता है जहां पे आपने कुछ लगा रखा है, खेती कर रखी है, धान का खेत, वन, घास का मैदान, झील, ये सभी पारिस्थितिक तंत्र हैं। और इसमें कृत्रिम कौन सा है? जो धान लगाते हैं वो आप खुद लगाते हैं, ये आपके खेत में लगता है, तो ये धान का खेत, वन, झील और घास के मैदान, ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है, लेकिन जो ये पैडी फील्ड है, पैडी फील्ड आपने लगाया है, ये कृत्रिम है, और ये भी एक पारिस्थितिक तंत्र है। ऐसा मत सोचिएगा ये पारिस्थितिक तंत्र कैसे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? कृत्रिम पारितंत्र कौन सा है? तो अब यहाँ पे भी देखिए ऐसे ही पूछा जा रहा है, तो ये भी खेत जो है वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, तालाब है, वन है, ये साथ में आपसे अगर झील कह दी जाए, जितना भी नेचुरल आपको मिलता है
है ना, नदियां कह दी जाए, इस तरीके से समुद्र कह दिए जाए, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये प्राकृतिक हो जाएंगे पारितंत्र, लेकिन ये जो खेत है ये कृत्रिम पारितंत्र है। अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही अनुक्रम है? जनसंख्या, पारिस्थितिक तंत्र, समुदाय और भूदृश्य। तो इसमें जो क्रम होता है कि एक ही जाति के जैसे जो जीवधारी रहते हैं उनकी संख्या को जनसंख्या कहते हैं। तो यहां जनसंख्या से इसको स्टार्ट करिए, तो पहला हो जाएगा इसमें जनसंख्या, और दो या दो से अधिक जो जातियां मिलती हैं तब उससे निर्माण होता है समुदाय का। तो पहला जनसंख्या, दूसरा हो जाएगा समुदाय, और तीसरे नंबर पर आपका जब समुदाय मिलेंगे, समुदाय मिलकर फिर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करेंगे, और पारिस्थितिक तंत्र का जब निर्माण हो गया तो पारिस्थितिक तंत्र एक निश्चित भू क्षेत्र में, जब आप देखेंगे एक निश्चित भू क्षेत्र में, उससे परिचित आप होंगे, तो उसके बाद में भूदृश्य का निर्माण होगा, ठीक है, लैंडस्केप का निर्माण होगा। तो ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे छोटा जनसंख्या, उसके बाद में समुदाय, फिर पारिस्थितिक तंत्र, फिर भूदृश्य, इस तरीके से आप चल सकते हैं। ये क्रम इसका सही हो सकता है, सही क्रम ये है। पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में एक शब्द आपने सुना होगा हिंदी में संक्रमण, अंग्रेजी में इसी संक्रमण को कहते हैं इकोटोन, अंग्रेजी में इसी को इकोटोन कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में इकोटोन जो होता है वो एक टिकाऊ जैव समूह होता है, और दो भिन्न समुदायों को भी के बीच संक्रमण क्षेत्र जो होता है, जैसे एक समुदाय और दूसरा समुदाय, उसके बीच का ये संक्रमण क्षेत्र होता है जहां पर ये मिलते हैं, उसी को क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इकोटोन। तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं इकोटोन। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपसे पूछा जा चुका है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, और दूसरा है कि हेलोक्लाइन किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को दर्शाती है। जहां पे हेलो शब्द आएगा तो हेलो से मतलब ये होता है लवणता, सैलिनिटी की बात होती है यहाँ पे, और ये पिक्नोक्लाइन ये घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। दोनों के दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपसे पूछा जाता है एक थर्मोक्लाइन, अगर थर्मो शब्द लगा हो तो थर्मो के लिए आप जान लीजिए कि थर्मो जहां पर होगा तो वहां तापमान की बात आ जाती है, तो तापमान प्रवणता को दर्शाता है। कैसे तापमान किसी जल निकाय में गहराई के साथ बढ़ रहा है, घट रहा है, तो गहराई के साथ तापमान जो भी परिवर्तित हो रहा है उसकी प्रवणता, प्रवणता का मतलब क्या होता है, ढाल। मान लीजिए ऐसी ये ढाल, इधर टेम्परेचर ज्यादा है इधर कम, तो ये प्रवणता। ऐसे ही मान लीजिए कुछ भी, आप प्रवणता का मतलब ढाल ही होता है, चाहे आप इसकी बात कर ले हेलोक्लाइन की तो लवणता की बात हो जाएगी, लवणता में भी ऐसे जिधर से इधर कम होगा ज्यादा होगा, ढाल की ही बात प्रवणता के अंतर्गत होती है। पारिस्थितिक निषे या आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था? तो पारिस्थितिक निषे शब्द को सबसे पहले 1917 की बात है, जोसेफ ग्रेनेल, ए ऑप्शन, इनका नाम पूरा था जोसेफ ग्रेनेल, उन्होंने प्रस्तुत किया था, और इसको इन्होंने सूक्ष्म आवास कहा था, ठीक है, और इसके अंतर्गत किसी प्रजाति की उसके पर्यावरण के साथ जो भी क्रियात्मक भूमिका होती है उसको प्रदर्शित किया जाता है। किसके अंतर्गत? पारिस्थितिक निषे या आला की जो संकल्पना है उसके अंतर्गत। तो पारिस्थितिक क्रमता की विविधता जितनी अधिक होगी, जितना ज्यादा डायवर्सिफाई होगा, पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता भी उतनी अधिक होगी। कहा यह जा रहा है जैसे एक पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जितने ज्यादा जीव जंतु और वैरायटी उसमें पाई जाएगी वो उतना ज्यादा स्थिर रहे, एक विलुप्त होगा तो दूसरा तो बचेगा। तो इस तरीके से ये माना जाता है कि विविधता जितनी ज्यादा होगी पारिस्थितिकी तंत्र उतना ज्यादा स्थिर होगा, और उतनी अधिक ही उसकी स्थिरता इस कारण से होगी क्योंकि आहार की संभावनाएं, ऊर्जा प्राप्त करने की संभावनाएं वहां पर बढ़ जाती हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? ये कौन थे? डायरेक्टली फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं। अर्नीज नेस, 1973 में डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? अर्नीज नेस ने, डीप इकोलॉजी अर्नीज नेस। और अगर आपसे आला पारिस्थितिक निषे पूछा जाएगा
तो पश्चिमी से आप ग्रीनल का नाम, जोसेफ ग्रीनल का नाम याद रखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अर्नीज नेस ने 1973 में, संधि इंपॉर्टेंट है, किसका प्रयोग किया, गहन पारिस्थितिकी शब्द का, है ना, और उन्होंने ये कहा कि एक पर्यावरण दर्शन है ये, जो सहज नैतिक सिद्धांतों से प्राप्त होता है, और ये एक विज्ञान होने का दावा नहीं करता है, लेकिन आम तौर पर नई भौतिकी पर यह आधारित जरूर होता है। बात समझ में आ रही है? इसको कुल मिला के उन्होंने एक पर्यावरण दर्शन के तौर पर देखा था। चिपको आंदोलन संबंधित है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया, तो चिपको आंदोलन का संबंध पादप संरक्षण से है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया था। कहां पर शुरू किया गया था ये जरा बताइएगा कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां पर हुई थी। कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, उसका उत्तर जरूर दीजिएगा। पारिस्थितिक अस्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, है ना, तो ये किस आंदोलन का नारा है, है ना। यहां पर एक चीज मैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये इकोनॉमी लिखा है, इकोनॉमी शब्द यहां के लिए सही नहीं है, ये होगा फ्रुगलिटी, फ्रुगलिटी ये शब्द होता, इकोलॉजी इज परमानेंट फ्रुगलिटी, तो ये सही होता। तो पारिस्थितिक की जो है वो अस्थाई मितव्ययता है, ये किस आंदोलन का नारा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, कौन से आंदोलन में ये कहा गया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वही चिपको आंदोलन। कौन सा? चिपको आंदोलन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा बनता है या उलट जाता है, जैसे भी आपसे पूछा जाए, तो पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में जो उपस्थित जीवभार होता है उसका रेखीय निरूपण जब हम करते हैं, रेखा चित्रीय निरूपण करते हैं, तो जीवभार का पिरामिड हमको मिलता है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में आप देखेंगे तो जीवभार का पिरामिड सीधा होगा, लेकिन अगर आप जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जाएंगे, जैसे तालाब में आप चले जाएंगे या कोई भी जलीय पारिस्थितिक झील का उदाहरण ले लीजिए, तो वहां पे जीव भार का पिरामिड उलट जाता है, यहां पर जीव भार का पिरामिड जो है वो पलट जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये तालाब, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर ज्यादा आधार में, यहां पर ज्यादा होंगे जीव जंतु संख्या में, ऊपर कम होंगे, और यहां पर जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। ये जलीय या तालाब में या झील में कोई भी पारिस्थितिक तंत्र आप लीजिए तो उसमें आपको यह उदाहरण आसानी से नजर आ जाएगा। 10% नियम किससे संबंधित है, 10% जो रूल है वो किससे संबंधित है, तो इसका संबंध है जैसे ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस पहुंचने के दौरान 1942 की बात है, एक लिंडेमान नाम के व्यक्ति थे, उनका नाम था लिंडेमान, तो लिंडेमान महोदय ने क्या किया, उन्होंने एक नियम दिया था, लिंडेमान 1942 में उन्होंने कहा कि शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित कर लेते हैं, 10% भाग अपने में संचित कर लेते हैं, और जब कोई मांसाहारी जंतु इन शाकाहारी जंतुओं को खाता है तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा फिर संचित करता है, यानी कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप में कितना गया, 10%। और इस प्रकार खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर, प्रथम द्वितीय तृतीय, ऐसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो उपभोक्ता केवल 10% ऊर्जा संचित करता है अपने शरीर में, जो रूपांतरित करता है, ठीक है, 10%। तो इसी को 10% का नियम कहते हैं, एक से ए बी सी ये तीन स्तर है तो सब में 10%, 10% की ही बात हो रही है, इसलिए 10% नियम कहलाता है। पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, कोई भी पारिस्थितिक निकाय आप लीजिए और उसमें ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत आपसे पूछा जाए तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या हो जाएगा, तो सौर ऊर्जा, बिल्कुल आंख बंद करके आप मारिए, अगर सौर ऊर्जा ना होती, सोलर एनर्जी ना होती, तो कोई भी एनर्जी इस पूरी पृथ्वी पे होती ही नहीं, है ना। सौर ऊर्जा जो आपको सीधे प्राप्त हो रही है सूर्य से, आप जो देख रहे हैं धूप के रूप में, टेम्परेचर के रूप में, केवल वही नहीं है, उसी के कारण जलवायु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन, जितना भी कोयला, पेट्रोलियम जो भी आप यूज कर रहे हैं सब उसी के कारण संभव है। तो सोलर एनर्जी जो हो जाएगी, सौर ऊर्जा, ये प्राथमिक स्रोत है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, आपसे पूछा जा रहा है, तो पर्वत,
सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र। दूसरा है अजैविक अवयव जीवाणु, हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र और वर्षा ग्लोबल वार्मिंग। सभी युग में जो यहाँ पर दिए हैं वो पारिस्थितिक तंत्र से तो संबंधित हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र जो दिया हुआ है ये सही सुमेलित विकल्प है। सर्वाधिक अस्थायी ये पर्वत नहीं होता है, अगर यहाँ पर समुद्र दिया होता सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र तो सही होता है ना, बाकी ये हरे पौधे जो दिए हैं पारिस्थितिक तंत्र ये बिल्कुल सही है। और वर्षा होने से ग्लोबल वार्मिंग ये गलत दिया हुआ है ना, गलत दिया हुआ ना। अजैविक अवयव में जीवाणु दिया है ये भी गलत है, तो सही सुमेलित क्या है, ये हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन से आते हैं, जो जंतु हैं शाकाहारी हैं या मांसाहारी या सर्वभक्षी, तो जो हरित पादप है वो प्रथम पोषण स्तर, पोषक स्तर जो प्रथम है उसके अंतर्गत हरित पादप आते हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वो सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, प्राथमिक पोषण या उत्पादक ये कहलाते हैं, प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव क्या है, तो मानव प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता भी है और द्वितीय, ये याद रखना है, केवल प्राथमिक नहीं है केवल द्वितीयक नहीं है, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों तरीके का उपभोक्ता है, क्योंकि ये मांस भी खाता है साग सब्जी भी खाता है, है ना। तो प्राथमिक उपभोक्ता है जब वो साग सब्जी खाता है, और जब मांस खाने लगता है तो वो द्वितीयक उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, चींटी हिरण लोमड़ी बाघ। अब इसमें आप देखिए तो चींटी प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगी, इसमें दूसरा देखिए हिरण ये भी प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगी, लोमड़ी और बाघ जो है ये नहीं होंगे, क्योंकि चींटी अपघटक भी है। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, अगर चींटी के बारे में पूछा जाए तो प्राथमिक उपभोक्ता के साथ में ये अपघटक भी है, अपघटन का काम भी करती है ना, चींटी अपघटक और प्राथमिक उपभोक्ता दोनों श्रेणियों में आती है। और कोई भी जो खाद्य श्रृंखला आप उठाएंगे फूड चेन लेंगे तो शाकाहारी प्राणी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, हिरण क्या खाती है, घास फूस खाती है, तो ये इसमें आ जाएगी, लेकिन लोमड़ी और बाघ ये सब मांसाहारी हो जाते हैं, शाकाहारी तो है नहीं, तो एक और दो ये सही उत्तर हो जाएगा कि कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, यहाँ पे जो दिए हैं विकल्प आहार श्रृंखला का निर्माण, तो जैसे इसमें घास है बकरी है मानव है, घास को खाती है बकरी यानी बकरी घास खाती है और बकरी को मानव खा जाता है, ये एक श्रृंखला बन रही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, घास बकरी और मानव। कोई भी पारिस्थितिक तंत्र आप देखिए तो कोई भी जीव भोजन के लिए आप देखेंगे दूसरे किसी जीव पर निर्भर करता है, भोजन के लिए सभी जीव ऐसे देखा जाए तो वनस्पतियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं, है ना, कबीरदास ने भी यही कहा था, बकरी पाती खात है, तो बकरी ये घास खा रही है और फिर मानव जो है वो बकरी को खा रहा है, अगर बकरी घास ना खाती तो ये मोटी कहां से होती, और जो मोटा मोटा मांस पूरा निकाला गया बकरी का, उसका खाल छीला गया अंदर मांस निकला, वो कैसे, वो इसी से तो आया है। अब कहने हमें गेहूं खिलाया था तो गेहूं कहां से आया, तो वो भी तो वनस्पति से ही आया, पेड़ पौधों से ही तो आया, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप चीजों को ध्यान रखिए, ठीक। अब ये जो है वनस्पतियां अपना भोजन कहां से बनाती हैं, तो वनस्पतियां अपना भोजन तो प्रकाश संश्लेषण से बना लेती हैं, लेकिन बाकी ये लोग उसी पर निर्भर करते हैं। एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम, एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जाइए जहां पे घास लगी हो तो वहां पे सही क्रम क्या आपको मिलेगा, तो घास टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेढक खाएगा और मेढक को फिर सर्प खा लेगा, तो घास टिड्डा मेढक सर्प ऐसे ही तो होगा। जो यहाँ पे घास होगी ये क्या है, वो आप देखेंगे तो शुरुआती उत्पादक के तौर पर है ना, फिर उसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, टिड्डा हो जाएगा, है ना, घास उत्पादक होगी, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता और फिर मेढक द्वितीयक उपभोक्ता, और उसके बाद में जो सर्प होगा वो दोनों को खा सकता है, तो द्वितीयक तृतीयक तीनों उपभोक्ता हो जाएगा दोनों तरीके का, तो सर्प मेढक को खा रहा है और सर्प टिड्डे को भी खा सकता है, बात समझ में आ रही, तो ये द्वितीयक भी होगा और तृतीयक भी होगा, लेकिन घास को देखेंगे तो ये उत्पादक है, उत्पादक है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं है, अगर आप जल प्रबंधन करेंगे
तो पारिस्थितिक तंत्र से सीधे संबंधित है। वन रोपण करेंगे आप, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, पारिस्थितिक तंत्र में सकारात्मक परिवर्तन होगा। अगर वन को काटेंगे तो नकारात्मक परिवर्तन होगा। औद्योगिक प्रबंध और वन्यजीव सुरक्षा, वन्यजीव सुरक्षा सही है, वन्यजीवों की सुरक्षा करिए, वो भी पारिस्थितिक तंत्र के महत्वपूर्ण घटक है। अब कई बार लोग तर्क देते हैं औद्योगिक प्रबंधन कन में पेड़ पौधे लगाना भी आता है, लेकिन डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है ना, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे कई लोग कहते हैं औद्योगिक प्रबंधन का मतलब तो हुआ कि जहां पे उद्योग लगे वहां पे पेड़ पौधों को लगाना और वहां पे हरियाली बनाए रखना, तो पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन औद्योगिक प्रबंधन के अंतर्गत भी आता है। लेकिन डायरेक्टली देखिए, पहले जब आप प्रश्न देखिए कोई भी क्वेश्चन, तो आप देखिए कि डायरेक्टली कितना रिलेटेड है। चार ही ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको उत्तर के रूप में निकालना है, बात समझ में आ गई। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता। अब ये देखिए वैसे ही प्रश्न, तो वनारोपण करेगा, वर्षा जल प्रबंधन करेगा, जैवमंडल भंडार करेगा, वनों को काटना यहां नहीं करेगा। देखिए मैंने आपको समझाया और वैसे ही प्रश्न यहां पर पूछा गया। जब आप प्रश्न पढ़िए तो उसको पहले ध्यान से पढ़ ले जाइए, और अगर आप ध्यान से पढ़ ले गए तो आधा आपका तो ऐसे ही खत्म हो गया मामला, आधा आपने पार कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है, तो अब इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप इतना जान गए हैं कि आप तुरंत कहेंगे कि जो खेत है वो कृत्रिम पारितंत्र है, बी ऑप्शन। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया, तो पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना 1935 में एक एजी टांसले नाम के व्यक्ति थे, एजी टांसले, इनका पूरा नाम था एजी टांसले, इनकी बीबी इनको एजी बुलाती रही होंगी या जैसे भी इनके दोस्त बुलाते रहे होंगे इनको, तो एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई। और उन्होंने कहा था कि पारिस्थितिक तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना जैविक और अजैविक घटकों से होती है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय के घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, तो अभी ये आया था पिक्नोक्लाइन, वहां पर एक स्टेटमेंट में आया था ना, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हेलोक्लाइन के बारे में भी मैंने आपको बताया था, थर्मोक्लाइन, तो हेलो जो हो जाएगा वो लवणता प्रवणता को दर्शाएगी, और थर्मोक्लाइन आपको जहां टेम्परेचर की बात होगी वहां शब्द ही आएगा। पारिस्थितिक निषे आला की संकल्पना का प्रतिपादन, एक क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है, तो ग्रीनल ने किया था, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, जोसेफ ग्रीनल, और 1917 में किया था, याद कर लीजिए अगर रिपीट हुआ है। डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो डीप अर्नीज नेस ने किया था, देखिए ये भी पहले भी कर चुके हैं, ये 1973 में अर्नीज नेस ने किया था। पारितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है, घटती उत्पादकता, सबसे ज्यादा उत्पादकता किसकी होगी, सबसे ज्यादा उत्पादकता, बहुत बढ़िया प्रश्न है, महासागर में टिक कीजिएगा, सबसे ज्यादा जो उत्पादकता होगी, उत्पादकता की बात यहां पर हो रही है, अस्थायित्व की बात नहीं हो रही है, सबसे ज्यादा मतलब प्रथम आप महासागर में टिक कीजिएगा, मैंग्रोव, और मैंग्रोव के बाद में घास स्थल, और घास स्थल के बाद में झील, और झील के बाद में महासागर, ये क्रम इनका हो जाएगा, मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर, अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता भी सबसे ज्यादा होती है, इसमें मैंग्रोव जो है सीधा संबंध है, जितना ज्यादा विविधता होगी उतना ज्यादा उनकी उत्पादकता होगी, तो मैंग्रोव की सबसे ज्यादा है, उसके बाद घास स्थल, फिर झील और फिर महासागर। सर्वाधिक अस्थाई पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, अब अस्थाई आपसे पूछा जा रहा है, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन की व्याख्या में बताया था कि महासागर इसको टिक कीजिए, सबसे अस्थाई की जब बात होगी तो महासागर होगा, लेकिन अगर बात होगी उत्पादकता, तो उत्पादकता में जहां पर जैव विविधता ज्यादा होगी तो मैंग्रोव में ज्यादा होती है। अगला जो प्रश्न है, दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति का क्षेत्र क्या कहलाता है, अब मैंने आपको एक रूप में भी इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बताया था, तो यही जो संक्रांति का क्षेत्र मैंने बताया था, दो के बीच में ये संक्रांति संक्रमण का क्षेत्र है, इसको क्या कहते हैं, इकोटोन, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण कौन सा है, लैंटिक आवास, लैंटिक आवास के अंतर्गत जैसे आपके वेटलैंड जो है, तालाब है, झीलें हैं, जलाशय हैं, ये सब आते हैं, तो तालाब और दलदल यहां पर उत्तर हो जाएगा, पॉन्ड एंड स्वैम्स जो है ये आ जाते हैं लैंटिक आवास के अंतर्गत, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसका पारिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं है, तो वन रोपण आप करेंगे, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, वन रोपण सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अब इसमें कितना भी बचाया जाए कभी कभी ऐसा हो जाता है। टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक की लेखक या लेखिका कौन है,
तो इसके जो लेखक और लेखिका कुछ भी आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें क्योंकि दोनों लिस्ट में नाम दिए हैं लेखक के भी लेखिका के भी, इसकी है लेखिका और वो है वंदना शिवा। बहुत बार ये पुस्तक पूछी गई थी 2000 में, सन 2000 में ये प्रकाशित हुई थी पुस्तक। और ये एक पर्यावरण कार्यकर्त्री हैं और भूमंडलीकरण पे इन्होंने बहुत सारा काम किया है, भूमंडलीकरण का विरोध ये करती हैं, तो इस कारण से इनकी पुस्तक चर्चा में आई थी। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? किसका? जैव द्रव्यमान का। कौन सा यहाँ पर पर्यावरण है ऐसा? तो जो गहरे सागर है, गहरे सागरों में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। देखिए यहाँ पर प्रेरी घास का मैदान है, पतझड़ी वन आप लेंगे, टाइगर वन लेंगे, तो यहाँ पे जैव द्रव्यमान ज्यादा होगा, है ना। गहरे सागर में कौन सी वनस्पतियां आपको मिलेंगी, वहां पर जैव द्रव्यमान ज्यादा नहीं होगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चमगादड़, भालू, कृंतक जिसको रोडेंट कहते हैं, किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है ना। तो ये शीत निष्क्रियता की जो परिघटना है इसका परीक्षण आप कर सकते हैं चमगादड़ में, भालू में और रोडेंट में, है ना। गिलहरी, भालू, कुछ कीट भच्छी, चमगादड़, ये सब जब गर्म मौसम होता है तो गर्म मौसम के आहार सर्दियों में जब नहीं मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, खुद को शीत निष्क्रिय कर लेते हैं, शीत निष्क्रियता का सहारा वो लेते हैं। और ऐसी स्थिति में ये जो प्राणी है ये ताप गिराकर आश्रय स्थल के ताप के बराबर अप ताप कर लेते हैं, अपने शरीर का टेम्परेचर कर लेते हैं। भाई क्या करें, उनके पास स्वेटर तो है नहीं, उनके पास ब्लोअर भी नहीं है, उनके पास एसी भी नहीं है कि वो उससे मैनेज करेंगे, तो ये अपने आप जो भी जहां पे ये आश्रय लेंगे उसके बराबर टेम्परेचर कर लेते हैं, अपने श्वसन दर को मंद कर लेते हैं, जो इनका उपापचय है मेटाबॉलिज्म उसको घटा लेते हैं, और जो इनके पास एनर्जी होती है उसी को कंज्यूम करते हैं, वसा के सहारे जीवित रहते हैं, जो इनके पास फैट होता है उसी को गला गला के ये काम अपना चलाते रहते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसी में चूहे, मूसक जो भी है, गिलहरियां, छछूंदर, ये सब भी आ जाएंगे, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? ये प्रश्न एक बार आपसे पूछा गया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जाइए, वहां पे है कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया जब आप जाएंगे तो कैलिफोर्निया में, अब इसको देखने में चले जाइएगा, जब जाइएगा तो कभी देखिएगा, तो एक वृक्ष है सिकोया, ये सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। इसकी ऊंचाई आप देखिए 115.5 मीटर, फीट में आप कन्वर्ट करेंगे 379, 379 फीट, सिकोया बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यूएन रेड प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं जैव विविधता के संरक्षण में, क्या दे सकते हैं? दे सकते हैं, है ना। यूएन रेड का पहले मतलब आप समझ लीजिए, रिड्यूसिंग इमिशंस फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, है ना। और ये UNFCCC, UNFCCC के सदस्य देशों के तत्वाधान में चलाया गया था, तो जैव विविधता का संरक्षण करने में ये महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वन्य पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में ये योगदान दे सकते हैं, और गरीबी को कम करने में, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, इसमें भी ये योगदान दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर गरीब देशों की विकास की बात की जाए तो जैव विविधता संरक्षण में ये, इसको आप रिलेट कर सकते हैं गरीब। जैसे एक चीज और देखिए, जैसे आप कई बार देखते हैं कि जहां पर विकास कम हुआ है तो वहां पर जैव विविधता का ह्रास कम हुआ है, वहां पे पेड़ पौधे आपको मिल जाएंगे, जहां पे इंडस्ट्री ज्यादा लगेगी तो वहां पे पता चलेगा कि आपको पेड़ पौधे कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो गरीबी कम करने में, अब यहाँ पर रेड कार्यक्रम में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए वित्त प्रभाव संभव है, उसको वित्त का प्रवाह किया जाता है, फ्लो किया जाता है। तो जो गरीब देशों में विकास और जैव विविधता संरक्षण का मुद्दा है तो वहां पर भी, जैसे अब एक इसका और है, जैसे पिछड़े समाज में अभी स्लैश एंड बर्न खेती भी की जाती है, उस लिहाज से आप देखेंगे तो ये सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर वाइट सोचे तो ये तीसरा विकल्प भी हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, जैव सुरक्षा बायो सेफ्टी का कार्टेजेना प्रोटोकॉल किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उस समय हुआ करता था, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज क्या इस मिनिस्ट्री का नाम चेंज हुआ है? कौन बताएगा, ये मिनिस्ट्री चेंज हुई है या नहीं चेंज हुई है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इन्वायरमेंट मंत्रालय का नाम यही है कि चेंज हुआ है, बताइए? तो इसका नाम चेंज नहीं हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ही है, ठीक है? तो क्लाइमेट चेंज पहले ही उसमें लगा है, तो चेंज क्यों होगा? 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तब से यह है ना, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए, खाद्य एवं कृषि हेतु पादप अनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतरराष्ट्रीय संधि, मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय और विश्व विरासत अभिसमय, ये 3 चीजें दी है। पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा जैव विविधता से संबंध रखता है या रखते हैं, संबंध कौन सा रखता है इसमें से? तो इसमें आप पढ़िए, खाद्य एवं कृषि हो, पादप अनुशासन संसाधन हो, या जो अंतरराष्ट्रीय इसके बारे में संधि हुई हो, या मरुभवन का सामना है ना, तो और साथ में अगर आपसे कहा जाए विश्व विरासत अभिसमय, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, सब इसमें संबंध रखते हैं, ठीक है? किससे? जैव विविधता के संरक्षण से या जैव विविधता से। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? यहां पर देखिए, जैव सुरक्षा पर कार्टिजेना उपसंधि या प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक 2004 में फिलीपींस में आयोजित हुई। दूसरा है कि भारत जैव सुरक्षा उपसंधि या प्रोटोकॉल या जैव विविधता पर समझौता में हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। और तीसरा है कि जैव सुरक्षा उपसंधि आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबंध है। और चौथा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौता का सदस्य है। तो यहां पर जो दिया है जैव सुरक्षा उपसंधि आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबद्ध है, ये गलत है। जैव सुरक्षा उपसंधि आनुवांशिक जीवों से संबद्ध है, यही सही है, यहां पर यही सही है, यही सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब गलत है, मुझे ये बोलना था कि बाकी सब गलत है। क्यों? क्योंकि ये 2004 में फिलीपींस में जो यहां पे दिया है, ये मलेशिया की राजधानी क्वालालंपुर में हुआ था, है ना? आपसे ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत ने भी इसमें 2001 में ही हस्ताक्षर कर दिए थे, तो भारत भी इसका ये दिया है कि हस्ताक्षर करता नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें सदस्य नहीं है, तो ये भी गलत है, यहां पे दिया है सदस्य है। तो यहां पर आपको सही बताना था, सही की बात हो रही है, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया, तो 2003 में चेन्नई में स्थापित किया गया। अधिनियम लाया गया था 2002 में, जैव विविधता अधिनियम, और इसको 2003 में फिर चेन्नई में स्थापित किया गया, तमिलनाडु में, ठीक है? अगला जो प्रश्न है, यदि अंतरराष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाता है तो इससे क्या मतलब है? मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड में आने का मतलब क्या है? तो मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड में आने का मतलब यह है, आप इसको समझिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, और मैं छोटा करता हूं जिससे ये दिख जाए। मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड में आने का मतलब यह होता है कि मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, या हो रहा है, या होना संभावित है। मानव हस्तक्षेप इसमें हो रहा है और इसमें परिवर्तन हो गया है, या हो रहा है, या होना संभावित है, तभी मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड में इसको रखा जाता है। आर्द्र भूमियों की सूची है और जिसमें मानवीय हस्तक्षेप हो रहा है, ऐसे आर्द्र भूमियों की सूची है मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किसे रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो रुद्रसागर, कोलेरू, दीपोरबिल और वुलर। तो यहां पर अब देखिए, अभी रामसर स्थलों की सूची अपडेट हुई है, तो रामसर सूची की जो अपडेशन हुआ है उस सूची को आपको देखना चाहिए, एक वीडियो पड़ा हुआ है। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जैसे अब इसमें रुद्रसागर, कोलेरू, दीपोरबिल, वुलर, तो दीपोरबिल भी है इसमें। अगर आप इसमें देखेंगे तो उलर झील, उलर झील क्या है इसमें, उलर झील के बारे में आप जिसे पूरा एक आप लिस्ट देखिए, केवल ये क्वेश्चन मत तैयार कीजिए, है ना, ये क्वेश्चन ही केवल मत तैयार कीजिए, तो इनमें से सारे हो जाएंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी। लेकिन केवल यही नहीं तैयार करना है, पूरी लिस्ट आपको तैयार करके जाना है। अब भारत में कितने हैं इस समय, कितने हैं ये संख्या बताइएगा, इसके ऊपर एक वीडियो भी बना है 46, तो ये संख्या आप बताइएगा, ये अपडेटेड लिस्ट आप पढ़ के जाइएगा, 46 जो अगस्त तक की अपडेट हो गई थी, और उसमें
ये जैसे आप जब भी ये क्वेश्चन ऐसे देखिए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि आप उसको अपडेट करके जाए, है ना। अभी जैसे ये भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको शामिल किया गया, ऐसे कई हमने पूरा एक लिस्ट डिस्कस की थी, वो वीडियो देख लीजिएगा। ऐसे ही अभी 21 में थोन लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को शामिल किया गया और बथवाना वेटलैंड को शामिल किया गया, तो ये अपडेट करके जाइए आप। करंट में इसको हमने डिस्कस भी किया है। अब अगला प्रश्न है, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है। बहुत सामान्य सा प्रश्न है, वेटलैंड दिवस जो मनाया जाता है, इसकी तिथि आपसे पूछी जा रही है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 की बात है, 2 फरवरी 1971 रामसर एक ईरान में स्थल पड़ता है, वहां पर आर्द्र भूमियों पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन हुआ था, तो उसी के उपलक्ष्य में ये डेट चुनी गई। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था, किसके संरक्षण से, तो ये संरक्षण नम भूमि जो, इसको वेटलैंड करिए, वेटलैंड तो ज्यादा सही हो जाएगा, वेटलैंड से संबंधित था, सी ऑप्शन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, काली गर्दन वाला सारस, काली गर्दन वाला जो सारस है, और उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ, भारत में प्राकृतिक रूप से कौन पाए जाते हैं, तो और चीता, चीता भी दिया हुआ है, चीता, तो भारत में प्राकृतिक रूप से चीता नहीं पाया जाता, 1952 तक ये मिलता था और उसके बाद में इसको घोषित कर दिया गया विलुप्त भारत से, ठीक है। तो 1, 3, 4 इसमें टिक कर दीजिए। ये छांटने वाले प्रश्न बड़े आसान होते हैं अगर ध्यान से आपने पढ़ा और थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है, उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परिवक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उनका अस्तित्व खतरे में है, और यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो ये भारतीय वन्य गधे के बारे में बात हो रही है जो कि कच्छ के रण में आपको मिलता है, कई बार ये पूछा गया है, जो भारतीय वन्य गधा है वो कहाँ मिलता है, तो कच्छ के रण में। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्वुक, फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है, तो ये चमगादड़ है, क्या है, चमगादड़ है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ों की एक प्रजाति है, भारत में भी मिलती है, चीन में मिलती है, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इसमें पाई जाती है, और इसे ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है। बैट तो खूब चर्चा में आया था ना कोविड के कारण, तो ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी इसको जानता है, फ्रूट खाता होगा। कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि के ह्रास के लिए उत्तरदायी है, कौन सी ड्रग, ये भी प्रश्न पहले बहुत बार पूछा गया। डेक्लोफिनेक जो सोडियम है, ये गिद्धों के शरीर में जब गया और उसके कारण से, ये वास्तव में है क्या, ये होता है एक दर्द निवारक, पशुओं ने इसको खाया, पशु मर गए, पशुओं के शरीर में ये था, जब पशु मर गए तो गिद्धों ने उनका सेवन किया, भक्षण किया, तो उनके शरीर में आया, बुखार के इलाज में, दर्द में इसको प्रयुक्त किया जाता था। तो जब पशु बीमार है, मरने वाले हैं, तभी ऐसा भाई उनको दिया भी जा रहा है दर्द से निजात के लिए, फिर गिद्धों ने खाया और गिद्धों को ये नुकसान कर गया, महीने भर के अंदर गिद्ध मर गए जिनके अंदर ये पहुंचा, तो इस कारण से ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया, डिक्लोफिनेक सोडियम पर ही है, कभी कई बार केवल डिक्लोफिनेक दे दिया जाता है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में कितने वर्षों तक नहीं देखी जाती, तो 50 वर्ष इसके लिए रखा गया है कि अगर कोई प्राकृतिक आवास में नहीं दिखता 50 साल तक तो विलुप्त मान लिया जाएगा। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ, इसको कहते हैं IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि इसमें सूची या सूचियां सम्मिलित की जाती हैं, कौन सी, जीव विविधता के प्रखर स्थलों, हॉट स्पॉट जो है, प्रखर स्थल मतलब हॉट स्पॉट के विद्यमान में विद्यमान स्थानिक पौधों और पशु जातियों की सूची, दूसरा है संकट ग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची, तो दूसरा तो सही है, और विभिन्न देशों में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची, तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर केवल संकट ग्रस्त पौधे और पशु जाति जो होती हैं उनकी सूची को पब्लिश किया जाता है रेड डाटा बुक्स में, विलुप्ति के कगार पर जो संकट ग्रस्त पौधे हैं या पशु जातियां हैं उनको। अगला जो प्रश्न है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है, तो अभी हमने ऊपर ही क्वेश्चन में पढ़ा है, इसको प्रकाशित कौन करता है, IUCN, IUCN जो है इसको प्रकाशित करता है। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी और विलुप्ति का खतरा जिन पे भी मंडरा रहा है उन पर यह ध्यान देता है। जीव विविधता निम्नलिखित
माध्यम या माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और सस्य परागण, तो 1, 2, 3, 4 इसमें सब सही हो जाएंगे। जीव विविधता इन माध्यमों के द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी है, सब काम करती है, मृदा निर्माण भी करती है, अगर पेड़ पौधे लगे होंगे तो मृदा अपरदन भी नहीं होगा, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण भी इन्हीं के माध्यम से होता रहता है, और सस्य परागण भी, सस्य परागण में तो अहम रोल होता ही है। अगर सारे भौरे नष्ट हो जाएंगे, सारी मधुमक्खियां नष्ट हो जाएंगी, सारी तितलियां नष्ट हो जाएंगी, तो कैसे हो पाएगा। ठीक है, तो बचपन से आपने पढ़ा है इसको, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियां हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और सुंदरवन। तो इसमें अंडमान निकोबार में, कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में है, सुंदरवन में नहीं है। 1, 2, 3 ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक स्थान और अगर यहाँ पर दे दिया जाता, चार स्थान भारत में पाए जाते हैं, तो एक इसमें लक्षद्वीप दे दिया जाता तो लक्षद्वीप में भी प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, मन्नार की खाड़ी भी ध्यान रखना, कच्छ की खाड़ी और निकोबार द्वीप समूह। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्रवाल विरंजन कैसे होता है? प्रवाल विरंजन अगर टेम्परेचर में वृद्धि हो जाएगी, समुद्र में अगर तापमान बढ़ जाएगा, है ना, अम्लता में वृद्धि हो जाएगी, तो वैश्विक उष्मन सहित पर्यावरण दबाव के कारण क्या होता है? प्रवाल विरंजन होता है, और इसमें सहजीवी शैवाल का मोचन और प्रवालों की मृत्यु दोनों हो जाती है, है ना। तो जब भी वैश्विक उष्मन होगा, टेम्परेचर में वृद्धि होगी, तभी यह संभव है, जो मतलब सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। और भी है, गंदा जल हो जाए, प्रवाल उसको से ना पा पाए, उसमें सब कुछ मिल जाए, कचरा वगैरह मिल जाए, तब भी ऐसा होता है। अगर सामुद्रिक जो क्षेत्र है उसमें प्रदूषण फैल जाएगा, तब भी होगा ऐसा। लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो वैश्विक उष्मन, टेम्परेचर का बढ़ना। निम्नलिखित में से क्रायोबैंक H2O संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यता प्रयुक्त होती है, किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो H2O संरक्षण का मतलब क्या है? ऐसी संरक्षण प्रक्रिया जिसमें वनस्पतियों और जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में नहीं किया जाता, अलग, H2O का मतलब होता है अलग ले जाके किया जाता है, पृथक किया जाता है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा जो जानवरों में इस समय सीमेन जो डाला जाता है, तो उसके उनके सीमन को प्रिजर्व करने के लिए ये नाइट्रोजन का ही इस्तेमाल किया जाता है, वो जो बॉक्स लेके जाते हैं उसमें यही। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थाने पद्धति नहीं है? स्वस्थाने इन सीटू मेथड नहीं है। तो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र इन सीटू है, राष्ट्रीय पार्क इन सीटू है, वन्य प्राणी अभ्यारण इन सीटू है, लेकिन जो वनस्पति उद्यान है वो वहीं पे नहीं किया जाता। वनस्पति उद्यान को तो डेवलप किया जाता है बाहर से लाके, उसमें वनस्पति संरक्षण किया जाता है। वनस्पति उद्यान वहां पे नेचुरली ऐसा था नहीं, लेकिन लाके, ठीक है, तो स्वस्थाने पद्धति नहीं है, ये X2 हो जाता है। ये क्या है? ये बाह्यस्थाने है, बहिर्स्थाने पद्धति है, X2। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो आप सबसे महत्वपूर्ण इसमें देखेंगे तो जयमंडल रिजर्व, जयमंडल जो रिजर्व है इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या होता है? प्राकृतिक और अर्ध प्राकृतिक भूमि पर स्वस्थाने जैव विविधता का संरक्षण, जहां पर जो है वहीं पर, ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। भाई किसी के घर से अलग करके क्यों, उसको उद्यान में क्यों ले जाया जाए, है ना, और अभ्यारण में वैसे क्यों ले जाए, जहां पे है जयमंडल रिजर्व वहीं पर उसको रखने की कोशिश की जाए। यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि ऐसा क्या है? शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है, देखिए ये बेतुका सा तर्क है, और जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरक का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, पक्षियों की संख्या घटने का क्या कारण हो सकता है? पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है, ये तो बिल्कुल सही है, और कीटनाशक रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर, तो दो ही विकल्प छाटने हैं, तो तीसरा और चौथा बिल्कुल सटीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो भी हम लोग पेस्टिसाइड यूज करते हैं, जो भी हम लोग उर्वरक यूज करते हैं रासायनिक, इनका बैड इफेक्ट पड़ता है ना, ये अच्छे नहीं है, लेकिन अब हम लोग भी उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में ये सब काम करते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र मानव क्षेत्र में विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? तो भौगोलिक क्षेत्र में विविधता के लिए जो तापन है, वैश्विक तापन, ये संकट हो सकता है,
कोई दो राय नहीं। जो प्राकृतिक आवासों का, ये आवास का विखंडन का मतलब ये मत समझिएगा, ये आप ये सोच लीजिए कि ये हमारे जो घर बने हैं उसका नहीं, प्राकृतिक आवास। विदेशी जाति का संक्रमण, अगर कोई विदेशी जाति आ जाएगी तो वो भी विविधता के लिए संकट उत्पन्न करेगी। और शाकाहार को प्रोत्साहन, ये कभी गलत नहीं हो सकता, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। मांसाहारी लोग बताते हैं अगर हम लोग मांस नहीं खाएंगे तो अनाज नहीं पूरा हो पाएगा। एक बकरी जो आप खाते हैं, उस बकरी को आप तो दो लोग तीन लोग मिलके खा गए, और जितना राशन खाती है, जितना वो गेहूं खा गई है, जितना खा के वो तैयार हुई है, उसको जोड़ा जाए तो आपने तो 10 दिन का राशन एक टाइम में ही निपटा दिया। खैर, आप लोग जो लोग खाते हैं उनसे कोई वो नहीं, लेकिन तर्क ऐसे ना दें। सिक्किम को वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, वनस्पति शास्त्रियों का ये स्वर्ग है, और पूर्वी हिमालय के हॉट स्पॉट क्षेत्र में ये आता है, ये भी बात सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब पॉलिटी पे जाएंगे तो 36वें संविधान संशोधन में 1975 में सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था, जो विविधता से परिपूर्ण है, हॉटस्पॉट के क्षेत्र में आता है। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? तो हिमालय है और विंध्यन नहीं है, उत्तर पूर्वी भारत है, पश्चिमी घाट है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं है। हॉटस्पॉट का मतलब क्या है? हॉटस्पॉट का मतलब समझिए पहले। हॉटस्पॉट का मतलब ये होता है जातियों पर, जहां पे जातियों की अधिकता पर्याप्तता खूब ज्यादा पाई जाए, है ना, स्थानीय जाति तो जातियों की जहां पे अधिकता पाई जाए। लेकिन यहाँ पे अधिकता के साथ साथ में ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ये अब डिस्टर्ब भी हो रहा है। जहां पर जातियों की पर्याप्तता या स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाए वो हॉटस्पॉट कहलाते हैं। लेकिन इनको हॉटस्पॉट चिन्हित क्यों किया गया? क्योंकि ये बने रहे ऐसा, क्योंकि इसमें समस्या हो रही है, निरंतर संकट बना हुआ है। जो विविधता देखा जाए तो पश्चिमी घाट हमारे यहाँ उसमें आ जाता है हॉटस्पॉट के क्षेत्र में, पूर्वी हिमालय श्रृंखला, भारत म्यांमार सीमावर्ती जो क्षेत्र है, सुंडालैंड, ये सब हॉटस्पॉट के एरियाज हैं हमारे यहाँ। ठीक है, जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपसे पूछा जाए तो म्यांमार भारत सीमा और सुंडालैंड का ही ये भाग है। ठीक है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो ये ध्यान रखना। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? जैव विविधता के संदर्भ में अब कौन सा माना जाता है? गंगा का मैदान तो नहीं माना जाता, मध्य भारत नहीं माना जाता, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। ए ऑप्शन, यही मैंने कहा कि ये सुंडालैंड और भारत में म्यांमार की जो सीमा वाला हॉटस्पॉट क्षेत्र है तो उसी के अंतर्गत ये आता है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? संतृप्त क्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है, तो संतृप्त भारत में अगर आप देखें तो जैव विविधता की दृष्टि से तो पश्चिमी घाट यहां पर हो जाएगा, ये संतृप्त क्षेत्र, वही हॉटस्पॉट वाली ही बात दूसरे लैंग्वेज में आपसे पूछी जा रही है, है ना। तो पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से सबसे ज्यादा संतृप्त आपको मिलेगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उस पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए, पूर्वी हिमालय, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, जैव विविधता का हॉटस्पॉट इनमें से कौन है? तो पूर्वी हिमालय तो है, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र यहां पर दिया है, तो पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र नहीं है, भूमध्य सागरीय बेसिन और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, भूमध्य पूर्वी नहीं, वैसे पश्चिम क्षेत्र में आप देखेंगे या भूमध्य सागरीय क्षेत्र ऐसे दिया होता तो सही होता, ये गलत है। और उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जगह पे होना चाहिए दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया ये क्या है, जैव विविधता या हॉटस्पॉट के क्षेत्र है, जैव विविधता यहाँ पे ज्यादा है, संपन्न है, तो ये गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, केवल एक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांश, निम्नतर अक्षांश का मतलब है कि विषुवत रेखा, उच्चतर का मतलब है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जाने पे, तो उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यता अधिक होती है। चौपट कर दिया ना, गलत दे दिया, ये सही है, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर में ही ज्यादा होती है, सही तो है। 0 डिग्री के पास आप आएंगे तो यहाँ पे वर्षा भी ज्यादा होगी, यहाँ पे रेनफॉल भी ज्यादा होगा, आर्द्रता ज्यादा होगी, तो घने वन जंगल सब ज्यादा पाए जाएंगे, पहला सही है। पर्वतीय प्रवणताओं या ग्रेडियंट्स में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों, यानी कि पर्वत पर आप जाएं तो उच्चतर ऊंचाई पे जाने की अपेक्षा नीचे विविधता ज्यादा पाई जाएगी, क्योंकि यहां पर भी ये स्थितियां ज्यादा अनुकूल पाई जाएंगी, तो दोनों बातें यहां पर सही है, ज्यादा ऊंचाई पे जाएंगे तो उतना सही
नहीं पाए थे। अगला जो प्रश्न है, फूलों की घाटी अवस्थित है केरल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। पूछा इसलिए जा रहा है क्योंकि ये भी जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है फूलों की घाटी, और ये स्थित है कहां पर, फूलों की घाटी कहां पर स्थित है, एक राष्ट्रीय उद्यान है ना, वैली ऑफ फ्लावर्स इसको कहा जाता है, और ये स्थित है कहां पर, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में गढ़वाल में ये स्थित आपको मिलेगा, ठीक है, गढ़वाल में। और 1982 में ही इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था। नंदा देवी अभयारण्य, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है ये, ठीक है, बात समझ में आ गई। इस घाटी का पता सबसे पहले ब्रिटिश पर्वतारोही थे फ्रैंक एस स्मिथ और उनके साथी थे आर एल होल्ड्सवर्थ, उन्होंने इसका सबसे पहले पता लगाया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, यह भी जैव विविधता का स्थल है, शांत घाटी जिसको बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हो गया है ये, और नेशनल पार्क पहले था ये, ये केरल से रिलेटेड है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता कहां पर मिलती है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और ज्योग्राफी में जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उनको याता होगा कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं और उष्णकटिबंधीयों में जो आद्र वन है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, तो वहां पर सबसे ज्यादा अधिकतम विविधता मिलेगी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर पाई जाती है, अब यहां पर देखिए वही प्रश्न थोड़ा दूसरे रूप में, तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जाइए जहां पर वर्षा वन, ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था, बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये थे वाल्टर जी रोसेन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1968 में इनकी एक पुस्तक थी ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, उसमें इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था, और बाद में जो विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डायवर्सिटी में परिवर्तित किया गया और बायोडायवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम WG रोसेन ने इसका प्रयोग किया था, ठीक है, तो बायोलॉजिकल डायवर्सिटी जब भी आए तो ये इनकी एक जो एक चीज और इसमें एक फैक्ट है, एक रेमंड एफ डॉसमैन है, तो रेमंड एफ डॉसमैन ने इसको सबसे पहले प्रयुक्त किया था, आप ऐसे कहिए 1968 में उन्होंने किया था, बाद में इसको WG रोसेन ने बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के रूप में परिवर्तित किया, ऐसे इसको करिए तो ज्यादा सही है, ठीक है ना। यानी कि मैं फिर से व्याख्या कर रहा हूं कि सबसे पहले ये डॉसमैन ने किया था, रेमंड एफ डॉसमैन इसमें दिया नहीं है, तो उन्होंने बायोलॉजिकल डायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया और बाद में बायोडायवर्सिटी के रूप में इसको चेंज किया था WC रोसेन ने। तो वो जो पुस्तक का नाम मैंने बताया था ये डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, वो उनकी थी, डॉसमैन की। जो विविधता को परिभाषित किया जाता है किस रूप में, तो किसी भी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, किसी भी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी को जैव विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग यानी कि फेजिंग आउट करने के मुद्दे से संबंधित है, ये प्रश्न जो पूछा गया है, तो ये देखिए एक प्रोटोकॉल से ये रिलेटेड है, कौन सा एक ओजोन का अवच है, यहीं से आप अगर इसको पकड़ेंगे तो आपको कीवर्ड मिल जाएगा और इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉन्टियर प्रोटोकॉल। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सहमत बनी और 1 जनवरी 1989 इसको लागू किया गया, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अम्ल वर्षा, नाइट्रिक एसिड, रॉकेट ईंधन, कैरोसिन और तेल, और ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड। तो अम्ल वर्षा यहां पर जो दिया हुआ है ये नाइट्रिक एसिड से संबंधित नहीं है, अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड नहीं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, उनसे रिलेटेड है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, कैरोसिन, तेल, ये सब सही है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सही है। ओजोन परत संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो
ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। 16 सितंबर 1987 को इस पे हस्ताक्षर हुए थे। इसी दिन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्ति कारक है, है ना, ओजोन डिप्लेशन फैक्टर्स कौन से हैं ये पूछा जा रहा है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हैलोन्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तीनों हो जाएंगे जिससे ओजोन को क्षति होती है, ओजोन को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है जो आप फ्रिज रेफ्रिजरेटर ये यूज करते हैं, तो इसमें मेफ्रोन गैस भरी जाती है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये हैलोनिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अमोनिया भी प्रसीतक के रूप में वैसे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेफ्रोन फ्रिज के लिए ध्यान रखना। आर्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है, और इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है, तो इसका संभावित कारण है विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समतामंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर प्रवाह। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, रिपीट हो सकता है प्रश्न। निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन सी है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, तो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण मेथेन के कारण होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड के, नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है उसके कारण, जलवाष्प के कारण होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण नहीं होता है। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनके द्वारा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा ये नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है, तो इसमें ओजोन परत के अवक्षय के लिए जब पूछी जाएगी तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आप डी ऑप्शन इसको क्लिक करेंगे। साथ में आप याद कर लीजिए कि क्लोरीन भी हो तो वो भी, अगर फ्लोरीन दी हो तो फ्लोरीन भी, ठीक है। तो ये सब जो है ये ओजोन परत के लिए अवक्षय के लिए डिप्लीशन के लिए उत्तरदायी है। निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत, और सल्फर डाइऑक्साइड ईट के भट्ठे। कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल सही है, और ये ऑटोमोबाइल जो दिया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन से बना होता है, तो मानव निर्मित व गैसीय व द्रवीय पदार्थ है, और ये निकलता है रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलित यंत्रों से, शीतकारक जो यंत्र होते हैं वहां से, और यहाँ पे ये जो ऑटोमोबाइल दिया है इससे इसका सीधा संबंध नहीं है। बी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत सही है, और सल्फर डाइऑक्साइड ईट के भट्ठे ये सही है। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल से इसका ऐसा संबंध नहीं है। ठीक है, ये अगर दिया होता रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलित यंत्र जो शीतकारक इन सब में तो सही होता। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है कैसे, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा विनियमित किया जाता है, और ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती वैसे रहती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज्यादा होती है, वर्षा ऋतु में सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा। एक चीज और भी यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है, ओजोन परत को नापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, कौन सी यूनिट है, तो वो उस यूनिट का नाम है डॉप्सन। ठीक है, उसका क्या नाम है, डॉप्सन। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, भूगोल में भी इसको हम डिस्कस करते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली वाली परत कौन सी है, ये हो जाएगी क्षोभ मंडल। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ऐसे हम चलते हैं। ठीक है, सबसे बाहर भी बाहर मंडल हो जाएगा, और वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। 18 से 20 किलोमीटर विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई होती है, और ध्रुवों पर जाएंगे तो ऊंचाई कम हो जाती है। इसके बाद में समताप मंडल आ जाता है, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल आता है, और सबसे बाद में बहिर्मंडल आता है। तो क्षोभ मंडल, और फिर उसके बाद में मतलब एक सबसे पहले आप क्षोभ कर लीजिए, ये वन नंबर पे सबसे नीचे, फिर दूसरी हो जाएगी समताप मंडल, समताप मंडल के बाद में फिर मध्य मंडल आती है, तीन नंबर पे आपकी मध्य मंडल हो जाएगी, मध्य करके याद कर लीजिए, और फिर ताप मंडल आएगी चार नंबर पे, और पांच नंबर पे तो बहिर्मंडल आ ही जाएगा जो सबसे बाहर है। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि
ये वायुमंडल को ऑक्सीजन प्रदान करती है, वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने नहीं देती है, वह पृथ्वी पर तापमान संतुलित रखती है, इनमें से कोई भी नहीं। तो आप जानते हैं कि अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं उनको नहीं आने देती है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है, कौन सा विकिरण अवशोषित किया जाता है? तो ये विकिरण है परावैगनी विकिरण, अल्ट्रावायलेट, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ग्लोबीय ताप वृद्धि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जो वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी बात है, तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के कारण समुद्र की सतह में वृद्धि होगी, सही बात है, हो सकती है। और यदि ग्लोबीय ताप वृद्धि के वर्तमान स्तर को नियंत्रित नहीं किया गया तो 2070 तक समुद्र की सतह 1 मीटर बढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है कि 1 मीटर बढ़ना बहुत ज्यादा ये कह दिया गया है, 1 मीटर 2000 मतलब इतना बढ़ जाएगा तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये केवल लगभग 0.33 से 0.45 मीटर तक की बात की गई है। विश्व के समस्त भूंगे द्वीप डूब जाएंगे, ये सही है, और 2044 तक फिजी डूब जाएगा, है ना, नीदरलैंड पे भी गंभीर संकट आ जाएगा, ये एक रिपोर्ट में कहा गया था, ये सारी बातें सही है, तो 1, 3, 4 सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव नहीं होगा? अगर पादप प्लवक नष्ट हो रहा है किसी महासागर का तो क्या प्रभाव नहीं होगा इसका? कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, सही है। महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ये भी सही है। और अगर है इधर तीसरा, यहाँ पर ये देखिए कुछ गलत यहाँ पर आ गया है, ये इसी को आप मानिएगा, ये वाला, ये कुछ ट्रांसलेशन में कुछ मिस्टेक हुआ होगा। महासागर का जल घनत्व तो प्रबल रूप से घट जाएगा, प्रबल रूप से ये कह रहे हैं घट जाएगा, तो ये गलत है, ये यहाँ पर सही नहीं है, और यही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। पादक प्लवक का सागर में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, जैसे स्थल पर घासों का, वैसे ही समझ लीजिए कि महासागरीय घासें होती है पादक प्लवक, तो प्रबल रूप से घट जाएगा ये गलत है, प्रबल रूप से घट जाएगा, जहां पे भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट कुछ दिए हो तो वहां पे ध्यान देना चाहिए आपको। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, प्रवाल या मूंगा सागरों या महासागरों में विशेष प्रकार की रचना वाले जीव है, और दूसरा है कि प्रवाल का शरीर अत्यंत कोमल डोलोमाइट तथा चूने से बना होता है जो स्पंज के समान दिखता है, और ये दोनों की दोनों बातें सही है, ये एक जीव तो होते ही है, विशेष प्रकार की संरचना इनकी होती है, दोनों बातें ये सही है। निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? सबसे पहले कौन सा प्रभावित होगा इसमें? तो इसमें देखा जाए तो आर्कटिक और ग्रीनलैंड जो हिमचादरें हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा इसी पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये गलने लगेंगी यहाँ की जो चादरें हैं, और अगर वहां पे चादरें गलेंगी तो वो पूरा नष्ट होने लगेगा। भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप क्या नहीं हुआ है? भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप ये कह रहे हैं सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए हैं, ये मजाक की बात है, हिमनदी द्रवीभूत हुई है ना, ये सही है, यानी कि गल गई है, हिम गले हैं, समय से पूर्व आम में बौर आने लगे हैं, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा है, लेकिन सार्वभौमिक संपर्क, अब बाद में कई बार लोग ये सोचते हैं कि जैसे पानी ज्यादा बढ़ जाएगा तो सब कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो ये गलत है, नेगेटिव है, ऐसा कुछ नहीं है। हाल ही में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि हुई है, किंतु उनमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में तो बढ़ोतरी हो गई है लेकिन वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि समुद्रों में पादक प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, एक ये कारण है, और जो दिया है समताप मंडल पलायन ये गलत है, और ध्रुवीय बर्फ छत्रक ये ग्रहण करते हैं ये भी गलत है, तो यहां पर यही सही है कि निचले भाग में इसलिए नहीं रहती कि समुद्रों में पादक प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जुगाली करने वाले पशुओं में जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह कौन सी है? तो वो मेथेन होती है, मार्स गैस, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, मेथेन गैस भी इसको कहा जाता है, मार्स गैस भी कहा जाता है, हरित ग्रह गैस है ये, वायु प्रदूषक भी होती है ये। निम्नलिखित पर विचार करें, ध्यान के खेत, कोयले की खनन और पालतू पशु और आर्द्र भूमि,
कौन ग्रीन हाउस गैस जो मिथेन है उसके मानवीय स्रोत है इनमें से? तो इनमें से जो मानवीय स्रोत है वो धान के खेत हैं, कोयले की खनन है और पालतू पशु हैं, यहां से ये मिलता है। और आर्द्रभूमि, समुद्र जैसे अब, और हाइड्रेट्स मिथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। जैसे आर्द्रभूमि जो है ये प्राकृतिक स्रोत में आता है, यहां पर क्या पूछा जा रहा था? मानवीय स्रोत, ये आता है प्राकृतिक स्रोत में और यहां पर पूछा जा रहा था मानवीय स्रोत। तो है ये भी स्रोत, लेकिन ये जो है ये मानवीय स्रोत है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भूमंडल उष्मन, भूमंडलीय उष्मन की आशंका किसकी वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है? तो किसकी सांद्रता बढ़ रही है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ रही है और इसी कारण से ये भूमंडलीय उष्मन की आशंका बढ़ रही है। पॉसिबिलिटी जो है ग्लोबल हीट की, ग्लोबल वार्मिंग की, ये बढ़ रही है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये 300 प्रश्नों की जो श्रृंखला है इसमें 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और आगे की जो क्वेश्चंस हैं उनको हम अगले एपिसोड में करेंगे, अगला एपिसोड और फिर उसके बाद में एक एपिसोड और ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 101 से 200 और 201 से फिर 300। और इसको अगर आपको लगता है कि ये उपयोगी है, आप चाहते हैं कि अगले एपिसोड भी ऐसे आए और आप उसको पढ़ें, उपयोगी आपको जरा सा भी लगता है तो उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जो लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। और बाकी किसी भी कार्यक्रम के बारे में जानकारी के लिए, कोई भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, 6307281212 पर व्हाट्सएप करिए या कॉल करिए और IAS Prep Academy ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। वहां पे मॉक टेस्ट फ्री में आपको मिल जाते हैं और बहुत कुछ जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।